जय भीम, मैं राधा करुणा, आप देख रहे हो बहुजन हलचल। तमिल के सुपरस्टार सूर्य की फिल्म जय भीम आईएमडीबी की रेटिंग में पहले नंबर पर है। सुपर से भी ऊपर हिट मानी जा रही है ये फिल्म। सुपरस्टार सूर्य की फिल्म जय भीम को लेकर जहां एक और विवाद बढ़ता जा रहा है, वहीं तमिलनाडु पुलिस ने राजनीतिक पार्टी पाटाली मक्कल काची के एक अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इसके साथ ही सूर्य की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। आरोप है कि इस स्थानीय नेता ने तमिल स्टार सूर्य पर हमला करने के लिए 1,00,000 रुपए नगद इनाम की घोषणा की थी। फिल्म जय भीम में वनियार समुदाय के कैरेक्टर को लेकर विवाद चल रहा है। दर्शकों के साथ ही समीक्षकों ने जहां फिल्म की सराहना की है, वहीं विवाद के बाद भी फिल्म मेकर्स और सूर्य को इंडस्ट्री में फैंस ने पूरा सपोर्ट मिल रहा है। दूसरी ओर हमले की धमकी को देखते हुए पुलिस ने सूर्य और उनके घर के आसपास सुरक्षा भी बढ़ा दी है। न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक बुधवार को महिला दुतराई पुलिस ने सूर्य को धमकी देने को लेकर पीएम के नेता के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की 5 धाराओं के तहत पीएमके के जिला सचिव सीता मल्ली मलानी सामी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। खास बात यह है कि इनमें गैर जमानती धाराएं भी हैं। यानी ऐसे में यदि ए पलानानी स्वामी की गिरफ्तारी होती है तो उन्हें जमानत मिलने में भी मुश्किल आएगी। इन सब के बीच सूर्य के चेन्नई स्थित घर पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। यह मामला राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा में है। वीसी के प्रमुख थोल तिरुमवालवन ने मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, जब भी पीएम के अपना राजनीतिक आधार खोती है ऐसे विवाद खड़े हो जाते हैं। वो लोग सूर्य को नहीं डरा रहे हैं, यहाँ लोकतंत्र और संविधान के लिए खतरा है। तमिलनाडु में सभी लोकतांत्रिक ताकतें पीएमके का विरोध कर रही हैं। आपको बता दें कि पुलिस को ऐसी असामाजिक गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। बीते दिनों पलानी सामी ने कहा था कि जय भीम में वनियार समुदाय गलत तरीके से दिखाया गया है। उन्होंने महिला दुतराई जिले में फिल्म की स्क्रीनिंग नहीं होने की भी धमकी दी थी। पुलिस का कहना है कि एक्टर को मिली धमकियों के बारे में सोशल मीडिया रिपोर्ट्स पर संज्ञान लेते हुए महिला दुतराई पुलिस ने हमला दर्ज किया है। पीएमके ने दावा किया है कि फिल्म ने उनकी पार्टी की छवि भी खराब की है। फिल्म को लेकर विवाद शुरू होते ही एक्टर सूर्य ने इस पर राजनीतिक नहीं कराने की अपील की थी। कल ही उन्होंने ट्विटर के जरिए फिल्म को मिल रहे सपोर्ट को लेकर फैंस का शुक्रिया अदा किया। इससे पहले वनियार संगम ने जय भीम के मेकर्स को कानूनी नोटिस भेजा था। बता दें कि पिछले दिनों रिलीज हुआ कोर्ट ड्रामा फिल्म जय भीम को दर्शकों और क्रिटिकर्स ने काफी पसंद किया है। सूर्य लीजो मोल जोश और मणिकंदन के लीड रोल वाली इस फिल्म ने अब एक और शिखर छू लिया है। फिल्म को रेटिंग देने वाली साइट आईएमडीबी पर यह फिल्म दुनिया भर की फिल्मों को पछाड़कर पहले नंबर पर आ गई है। आप इसी से अनुमान लगा सकते हो मनुवादी विचारधारा वाले लोग कितना भी कोशिश कर ले यह सिलसिला चलता रहेगा। बाबा साहब की विचारधारा बढ़ रही है और बढ़ती ही रहेंगी। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। मैं राधा करुणा, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। जय भीम, धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज़।